माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं अपने सारे नए व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अगर मेरे गार्डनिंग चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताया करिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के वीडियो के टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है, इसका टॉपिक हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है। और मेरे ही कई सारे व्यूवर्स ने मुझसे जो क्वेश्चन किया है उसका आज मैं आंसर इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, मेरे एक बहुत ही ओल्ड व्यूअर हैं जो बहुत दिन से मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं और हमेशा कमेंट्स भी किया करते हैं। तो बिल्कुल उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बिल्कुल मैम अपना इंट्रो एक वीडियो बनाइए और अपने बारे में बताइए उसमें। तो आज इस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में मैं उनके भी इस क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। और मुझे उनका नाम नहीं मालूम, पर उनके चैनल का नाम ट्विटी ट्विटी है, जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि आप अपने बारे में बिल्कुल मुझे बताइए। तो आपकी रिक्वेस्ट पे इस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में मैं अपना एक इंट्रो भी देने वाली हूँ। और बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जो मेरे कटिंग के वीडियो को लेकर उन्होंने मुझसे कमेंट किया है कि आप अपनी कटिंग का अपडेट दीजिए, जो भी आपने अपने ट्रम्पलेट वाइन की कटिंग लगाई थी उसका अपडेट दीजिए, क्या वो बिल्कुल सक्सेस है या नहीं है। तो मैं अपने इस वीडियो में अपने सारे कटिंग का अपडेट भी देने वाली हूँ। तो ये वीडियो का टॉपिक दो है, माय इंट्रो एंड माय कटिंग अपडेट। इस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में मैं इन दोनों टॉपिक को कवर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले अपने बारे में ही आप लोगों से कुछ बातें जो जुड़ी हुई हैं शेयर कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मेरे जो पुराने व्यूवर्स हैं उन लोगों को बिल्कुल मेरा नाम भी मालूम है और वो मेरे नाम को लेकर कमेंट भी करते हैं। तो माय नेम इज़ पायल गुप्ता और मेरा गार्डनिंग चैनल का लोगो भी यही है, पायल्स गार्डन करके। तो मेरा नाम पायल गुप्ता है और मेरा बर्थ प्लेस इंडिया के वाराणसी सिटी में हुआ था और मैं बनारस की ही रहने वाली हूँ। और मेरी शादी नेपाल में हुई है, नेपाल में नेपालगंज सिटी में। और मेरे हस्बैंड एक बिजनेसमैन हैं और जो है मेरे तीन बच्चे हैं, जिनमें से सबसे पहला जो है वो बॉय है और जो दो हैं वो लड़कियां हैं। तो जो मेरा लड़का है सबसे बड़ा, वो बिल्कुल अपना कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहा है और वो लखनऊ में पढ़ता है, अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रहा है वो वहाँ पे। और जो मेरी दोनों लड़कियाँ हैं, तो सबसे बड़ी जो लड़की है वो क्लास 9th में है और वो मेरे गार्डन में बहुत हेल्प करती है, उसे बहुत पसंद है। मैंने कई बार उसकी DIY भी आप लोगों से शेयर की है, जो वो क्रिएशन करती रहती है मेरे साथ। जब मैं भी कुछ भी DIY करती हूँ तो बिल्कुल मेरा हेल्प करती है। तो ये मेरे बड़ी लड़की की बात हो गई, क्लास 9th में पढ़ती है। और जो मेरी छोटी वाली बेटी है वो बहुत ही नॉटी है और क्लास 3rd में पढ़ती है और काफ़ी नॉटी है, पर उसे भी मेरा गार्डन बहुत पसंद है। मेरे गार्डन में अक्सर वो बिल्कुल आती है सिर्फ एक प्लांट को देखने के लिए, और वो है ये टच मी नॉट, जो उसने जिद करके मुझसे बाय करवाया था कि आपने इतने सारे गार्डन में प्लांट लगाए पर टच मी नॉट नहीं लगाया है, मुझे चाहिए वो प्लांट, आप बिल्कुल उसे लगाइए। तो उसके कहने पे ही मैं ये प्लांट बाय करके लेके आई थी। आप लोगों से मैंने शेयर भी किया था कि मेरी डॉटर इंसिस्ट कर रही थी मुझे, तो मैंने ये प्लांट बाय किया है। और जब भी वो गार्डन में आती है बिल्कुल इसके संग खेलती है, इसके लीव्स को छूती है, और जब वो बंद हो जाते हैं उसे बहुत ही अच्छा लगता है, वो हमेशा आती है और इसके ग्रोथ को भी वॉच करती है, हाँ मम्मा ये बढ़ रहा है, ये फैल गया है, ये अच्छा लग रहा है। तो उसके डिमांड पे मैंने ये प्लांट ख़रीदा था, आप लोगों से मैंने शेयर भी किया था।
तो ये हो गई मेरे बच्चों की बात। और जैसा कि मैंने कहा, मैं बनारस में मेरा बर्थ प्लेस था, तो मेरा एजुकेशन भी वहीं से कंप्लीट हुआ है, फ्रॉम BHU। और वहाँ पे मैं एक आर्ट स्टूडेंट थी फाइन आर्ट्स की। आप लोगों से मैंने ये भी शेयर किया हुआ है कि मैं फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। और नेचर से लगाव मेरा तभी से है क्योंकि मैं एक फाइन आर्ट्स स्टूडेंट थी, तो बिल्कुल नेचर के पास बैठ के ही मुझे पेंटिंग्स वगैरह करना होता था। और मेरे ही कॉलेज में एक गार्डन था जिसका नाम गुड्डू गार्डन था, और वहाँ पे इतने सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स थे, इतने सारे फ्लावर्स थे, जो वहाँ पे हम लोग बैठ के बिल्कुल वहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह किया करते थे। बहुत ही सुकून मिलता था वहाँ पे मुझे पेंटिंग करने में, और वहाँ घंटों हम लोग बैठे रहते थे। और नेचर से जो लगाव है हमारा, वो मेरे पेंटिंग की वजह से भी है, क्योंकि पेंटिंग में भी बिल्कुल हम नेचर के ही करीब रहते हैं। और बस ये कुछ बातें हैं। तो तभी से मेरा नेचर की ओर, प्लांट्स की ओर झुकाव था, और मुझे बहुत पसंद था वहाँ पे घंटों बैठना, पेंटिंग्स करना, प्लांट्स को बिल्कुल वॉच करना, उनकी एक एक लीव्स को, उनके एक एक कलर को अपने पन्नों पर उकेरना। और बस तभी से ये जो मेरा शौक है प्लांट्स की ओर बढ़ गया, और मुझे भी प्लांट्स काफ़ी पसंद थे। और जब मुझे स्पेस मिला बिल्कुल यहाँ पे, तो मैंने बिल्कुल गार्डनिंग शुरू की, और अपने टेरेस गार्डन पे, टेरेस पे एक छोटा सा गार्डन बना लिया। एक नेचर को अपने पास समझ लीजिए कि क्रिएट कर लिया, एक नेचुरल लुक अपने टेरेस पे, तो काफ़ी सुकून मिलता है मुझे भी यहाँ पे अपने टेरेस गार्डन पे आकर और घंटों यहाँ पे अपना समय बिताकर। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी, मेरी बात, मेरे इंट्रो, और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और अब चलते हैं सेकंड टॉपिक की ओर, मेरे कटिंग को लेकर जिन लोगों का भी क्वेश्चन है उसको भी मैं आप लोगों से बिल्कुल शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, कटिंग जो है, अगर आप दो चार कटिंग लगाते हैं तो उसमें एक ना एक कटिंग बिल्कुल सक्सेस ही होती है। और बरसात के दिनों में मैंने कहा है यह है, क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल इतना अच्छा होता है कि आपकी कटिंग का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है। और मैं आपको अपना कटिंग्स पहले शेयर कर लेती हूँ। तो देखिए, ये हिबिस्कस जो मैंने यहाँ पे कटिंग से लगाया था, और देखिए अब इसमें कितने सारे, देखिए ये कटिंग से लगा हुआ है, और इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो गई है। और यहाँ पे क्रिसैंथेमम की कटिंग है, और मैं एक शेयर आपसे और करूँगी। ये देखिए, लोग कहते हैं कि बिल्कुल शेमी वुड कटिंग लगानी चाहिए। ये कटिंग आप मेरी देखिए, कितनी मोटी इसकी स्टेम्प है, और मैंने होप भी नहीं किया था कि ये सक्सेस हो जाएगी, और मैंने इसे लगा दिया था। क्योंकि मैं जो प्लांट चाहती थी उसकी कटिंग, मुझे पतली कटिंग नहीं मिली थी, और मुझे ये मोटी स्टेम्प मिली थी, तो मेरे कलीग ने लाके दी थी ये मुझे। और मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि ये इतना अच्छा प्रोग्रेस करेगा। और इसे मैंने बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अपनी मैंगो ट्री के नीचे रखा हुआ है ताकि इसे बहुत ज़्यादा धूप वगैरह ना लगे, लेकिन आप देखिए कितना अच्छा इसमें ग्रोथ हो गया है, बिल्कुल नई लीव्स, और ये नया टहनी भी निकल आया है। ये सारी ग्रोथ ये देखिए, मैंने यहाँ पे फंगिसाइड पाउडर भी लगाया हुआ था, इस कटिंग को लगाया था, और इसका ग्रोथ देखिए कितना ही अच्छा है ये ग्रोथ। और इसी प्लांटर में, मैंने छोटे प्लांटर में ही लगाया था, और कुछ दिन बाद मैं इसे थोड़े बड़े प्लांटर में शिफ्ट कर दूंगी। तो ओवरऑल ग्रोथ इसकी बहुत ही अच्छी लग रही है, और इतनी मोटी कटिंग भी मेरी सक्सेस हो गई है। और देखिए अगेन, ये क्रिसेंथेमम वगैरह, ये हिबिस्कस जो मेरा कटिंग से ही ग्रो हुआ है। नेक्स्ट फ्रेंड, ये ट्रम्पलेट वाइन की कटिंग को लेकर बहुत ही क्वेश्चन क्यूरी आई है मुझ पर कि आपकी ट्रम्पलेट वाइन की कटिंग ग्रो हुई कि नहीं, उसका ग्रोथ कैसा है। तो आप खुद देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इसमें नए रूट्स वगैरह, लीव्स वगैरह सब निकल आए हैं। और मैंने इसे बिल्कुल ब्रॉड प्लांटर में लगाया था, लेकिन जब मैंने इसका ग्रोथ देखा तो मैंने इसे थोड़ा बड़ा प्लांटर भी प्रोवाइड कर दिया है ताकि इसमें
इसकी जड़ें अच्छे से फैल जाएं और ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर गया है। अब मुझे बिल्कुल एक स्टिक लगा के इसको बांधना है, ये देखिए। तो इस तरीके से आपकी कटिंग बिल्कुल सक्सेस रहती है अगर आप करते हैं अपने बारिश के मौसम में। तो ये हमारा टेम्पलेट वाइन है और इसको मैंने बिल्कुल यहाँ पे छांव में ही रखा हुआ है। अभी अभी भी इसकी ग्रोथ चल ही रही है क्योंकि मैंने इसे दूसरे प्लांटर में शिफ्ट किया है, इसलिए मैंने इसे यहाँ रखा हुआ है। और नेक्स्ट चलते हैं। तो बुगेनविलिया को लेके भी बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया है कि बुगेनविलिया की कटिंग ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही है। ये देखिए मेरी कटिंग बिल्कुल, इसमें नए लीव्स वगैरह सब निकल आए हैं, ये देखिए। तो इसमें से दो कटिंग जो है बिल्कुल अभी ग्रो हो चुकी है और मैंने चार लगाई थी, दो बिल्कुल बेकार हो गई थी, उसको मैंने निकाल के फेंक दिया। तो आप जब भी कटिंग लगाएं तो मैंने कहा है दो चार कटिंग जरूर लगाएं, उसमें से एक ना एक सक्सेस जो है वो जरूर होती है। तो ये मेरा बुगेनविलिया का कटिंग। अगेन देखिए ये एक और हिबिस्कस है जो मैंने कटिंग से ही ग्रो किया, ये देखिए। ये अभी मैंने जल्दी जो आपसे वीडियो शेयर किया था हिबिस्कस का, ये वही है। और अब देखिए कितने अच्छे से ये बिल्कुल डेवलप भी हो गया है, ये देखिए कितना अच्छा ये प्लांट ग्रोथ कर गया है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट ये देखिए हमारा कनेर जो मैंने कटिंग से आप लोगों से शेयर किया हुआ था और इसका ओवरऑल ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है, ये देखिए। इसमें भी नए लीव्स वगैरह सब निकल आए हैं। तो देखिए मेरे जितने भी कटिंग हैं वो मैंने बिल्कुल शेडी एरिया में ही रखे हैं। यहाँ पे बहुत तेज़ धूप है पर यहाँ पे छांव है और इसे ज़्यादा धूप नहीं मिल रही है, बहुत हल्की फुल्की सी धूप इसे मिल जाती है। तो अपनी कटिंग को बिल्कुल आप थोड़ा शेडी एरिया ही प्रोवाइड करें जब तक वो काफ़ी अच्छे से बड़ी ना हो जाए, थोड़ा बहुत धूप मिले उसे, बारिश का पानी भी ये इन्जॉय करते हैं बहुत ही अच्छे से और इनकी ओवरऑल ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। और इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपसे शेयर करूंगी ये हमारा गैलेडवस का बल्ब जो मैंने आपसे शेयर किया था। तो देखिए मैंने पांच बल्ब लगाए थे और पांचों में स्प्राउट जो है ये देखिए आप निकल आया है पांचों में। और इसमें तो देखिए दो निकल रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच, पाँचों में निकल आया है। इधर मैंने कोलियस की कटिंग लगाई हुई है और इधर हमारा कैलेंचो की कटिंग है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप लोग हिचकिचाया मत करिए, कटिंग लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से इस मौसम में ग्रो हो जाता है। और जो प्रोसेस मैंने आपसे शेयर किया है बिल्कुल उसी प्रोसेस से आप लोग भी लगाइए और उसे थोड़ा शेमी शेडेड एरिया प्रोवाइड करिए तो आप लोगों की भी जो कटिंग है वो 100% सक्सेस रहेगी। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। और ये हमारा ट्रम्पलेट वाइन का फ्लावर्स देखिए कितने बंचेस में निकला हुआ है, काफी ऊपर है। ओके फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।